कि पिछले शो में जब फहीमा अवान मेरे पास आई थी तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब ये इनके हस्बैंड की अभी कुछ ही अरसे पहले डेथ हुई है, मेरे साथ यहाँ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम फहीमा, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? क्या सुनाऊँ क्या नहीं सुनाऊँ, इतना सडन होता है, और आप मुझे लगता है जब प्रिपेयर होते हैं ना आप, तो आपको सब्र भी आ जाता है, अचानक आपको सब्र नहीं आता। ने मुझे इतनी बड़ी जगह पर रखा हुआ था, उनको पता था शायद ये मर जाएगी, ये जिंदा नहीं रह सकेगी, तो मैं हरम में थी, और जब तुम्हारे हस्बैंड का इंतकाल हुआ तो तुम हरम में थी? मैं हरम में थी, और मुझे वापस आना था फ़ौरन, मुझे भी उमरा करके वापस आना था, प्लान यही था कि ईद पे मेरा उमरा था, वापस आना था। मैं कहा मुझे जाना है, बस फ्लाइट नहीं मिली मुझे, अल्लाह ताला ने मुझे वहीं रोकना था, देना होता है स्ट्रेंथ देनी थी मुझे कि तुमने अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारे बच्चे हैं, घर है, सास ससुर हैं, सब हैं, अभी तुम्हारे पास बहुत सारे टास्क हैं, एक टास्क कम हुआ है। तो उमरा किया, उमरा करते हुए मुझे लगा मैंने अपने आप को छोड़ दिया था कि ठीक है वो भी चले गए, मुझे भी चले जाना चाहिए उनके साथ, मैं भी। तो एक वक्त आया, एक इंसान ने मुझे कहा, मैं उमरा कर रही हूँ और हजरे अस्वद के बाद बोसा देने के लिए मैं चली गई, वहाँ इतना रश होता है, तो एक आदमी ने कहा इसको पकड़े, इनका सांस जा रहा है, और मेरा लिटरली सांस लास्ट उस पर था। तो फिर मैं वहाँ से निकली, मैंने अपने आप को रिलैक्स किया, मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे ज़िंदा रखे, मुझे ज़िंदा रखिएगा मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि उनका कौन है मेरे अलावा।